एक शेर है डॉक्टर के लिए। हाँ तो डॉक्टर और भी किसी के लिए सुना दे यार, घर से सोच के आते सर उसी के लिए। चले दुआ के लिए, दुआ के लिए, दुआ तुम्हारे लिए। हाँ दिल से तुम्हारा ख्याल जाता नहीं, वाह, तुम्हारे सिवा कोई याद आता नहीं, वाह, हसरत है कि तुम्हें रोज देखूं पर क्या करूं, वो मदारी वाला तुम्हें साथ लाता नहीं। चल मेरे मंदर, मतलब क्या हुआ, हंसी जा रहा है मुझे इसके। ये क्या हुआ? ये सर इधर देखें, इसको ज्यादा ही हंसी आ रही है। अच्छी नहीं आई। फिर किस पे आई है? सर लोग जूतों को पॉलिश कराते हैं, उसने बालों को करवा लिया। आए 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 लेवल यार, लेवल क्या। दुआ के लिए, दुआ के लिए, दुआ के लिए झुकते हैं। एक तो भाई प्यारी लग रही हो ना, इसलिए जियलेस हो रही है। अच्छा वो मोबाइल गया तुम्हारा सर, इसका मोबाइल स्नैच हो गया। हाँ बोलो बोलो सर। दुआ ना पॉलर गई तैयार होने के लिए ना। अच्छा तो ना पॉलर वाली ने जो है उसको मेकअप किया, उसके बाद पॉलर वाली बोलती है मैं तुमसे एक बात पूछूं। दुआ ने बोला हाँ पूछो। तो कहती है बाजी आपके पाँव क्या है? अफ्रीका में पैदा हुए थे सर। सर जुगत गई थी कहानी सुना रही है, जुगत बोला था कहानी सुना। फैसल भाई राहत अहसन मेरे साथ होटल में गया तो वेटर ने बोला सर इधर आए इधर बैठे आपको घर वाला माहौल मिलेगा। ऐसा कहता मैं नहीं बैठना इतने, मैं नहीं भांडे धोने। सर ये ना कटिंग करवाने गया तो इसने उसे जाके कहा कि ना फौजी कटिंग कर दो तो करने लगा तो पुरानी होगी भाई मैंने मारी हुई है अगली साबियां चुकी हुई है वहां। मैं चेंज कर देता हूँ सर, ये कटिंग करवाने गया और इसने जाके क्या मुझे प्याला कट कर दो। अच्छा प्याला कट करवाने लगा तो इसकी जूं निकल आई तो ना उसने आगे निकाल के कहा ये जू का क्या करूं। कहता है ऐसी भी फौजी कटिंग कर दो प्याला कट। यार की कमा और तो मेरा दोस्त है बया। तो दुआ आपको शेर नहीं सुना रही सर। शायर वो होता है जिसका दिल साफ होता है, जिसका हाँ। कलम हर बुरी बात से पाक होता है। शायरी शायरी करते हो असद भाई, आपको शायरी का शीन भी पता है। तहरान गौरी वो है जो हर शायरी करने वाले का बाप होता है। ये शेर नहीं थी, ये तेरी बकवास थी भाई, ये कहानी थी, कहानी। हाँ सर ये शेर तो नहीं था, तहरान की बकवास थी। असल में स्टाइल है मेरा। हाँ हमारी जबान में स्टाइल है साहब। अपनी दिल की गहराइयों को तहरान साहब अपनी दिल की गहराइयों को, तहरान साहब अपनी दिल की तन्हाइयों को गहराई बना लेते हैं। तहरान साहब अपनी दिल की तन्हाइयों को गहराई बना लेते हैं। नबीला मसरूफ तो फरजाना को कॉल लगा लेते हैं। हेलो सर। भाई आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बोल आते हुए कभी भी ट्रैफिक हो ना तो कभी भी बस मत लेना। और अरीशा ये लोग मेरे ही दोस्त हैं, प्लीज इन लोगों में से किसी को ढस मत लेना। मुझे तो लगता है बस का कंडक्टर है ये जो बोल रहा है कभी भी बस नहीं लेना। सर तहरान के लिए, तहरान तुम्हारे लिए शेर नहीं है, डायरेक्ट हो गई है वो। तहरान कभी हौसला अपना भी लेना चाहिए, वक्त को आजमा भी लेना चाहिए। जब 7 दिन के बाद तेरी खुजली ना खत्म हो तो 8वें दिन नहा भी लेना चाहिए। यार सर बोल कौन रहा, ये तो देखे जो महीने महीने नहीं नहाता। असल में वो होता है कई दफा आप कुछ कहते हैं वो अपने आप को भी समझा रहे होते हैं। तो है। लेकिन अच्छा था ये, अच्छा था ये। हाँ जी अपना कौन था, सोनू हेड सर। तहरान तू हंसते हुए लांडी का चूहा लगता है मुझे। गंदी बातें करवा लो तुम उसे। अबे मेरी स्माइल, मेरी स्माइल इतनी डेंजरस है। इधर तक बदबू आ रही है तेरी स्माइल की। नहीं मैंने सूंघी है। नहीं नहीं वो तुम्हें आप। अबे मेरी स्माइल इतनी डेंजरस है। तू बता तू लांडी के चूहे के साथ कर क्या रहा था? कहता लांडी का चूहा लगता है पहले। सर तहरान की स्माइल इतनी प्यारी है यहाँ तक आती है। असद मेरी स्माइल इतनी डेंजरस है, अगर तेरे पास दिल होता ना मेरी स्माइल में पक्का आ जाता। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर,
और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल कुरैशी। बोल एंटरटेनमेंट की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिएगा।